हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ 2020 वेन्यू BA6 कंप्लाइंट इंजन आता है इसके अंदर। बिफोर वॉचिंग द वीडियो जस्ट मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब टू माय चैनल विच इज़ अनवॉच 1780 एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन बटन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। इस वीडियो में मैं आपको इस हुंडई वेन्यू को मारुति सुजुकी जो नई ब्रेज आई है उसके साथ कंपेयर करके बताऊँगा कि क्या क्या आपको इसके वेन्यू में ज़्यादा मिलते हैं, क्या क्या ब्रेजा में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं आपको। स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट से। जिसको फ्रंट में आप बोनेट देख रहे हैं, इसमें बोनेट में डिज़ाइन दिया हुआ है पर ब्रेजा में सिंपल बोनेट आता है। उसके नीचे ग्रिल की बात करें, इसमें ग्रिल में प्लस के शेप का डिज़ाइन दिया हुआ है पर जो ब्रेजा के अंदर आता है वो आपको हॉरिजॉन्टल में ग्रिल आती है। अब जो नई ब्रेजा आ रही है उसमें बोल्ड टाइप की ग्रिल दी हुई है। यहाँ पर आपको सिंपल सिल्वर कलर की स्किड प्लेट्स मिल जाएंगी और यहाँ पे रेडिएटर के लिए थोड़े हवा इनटेक करने के लिए यहाँ पे जगह मिल जाएगी। जो इसके टर्न इंडिकेटर्स हैं वो आपको यहाँ पे हेडलाइट से ऊपर मिलेंगे पर जो ब्रेजा के अंदर अब आ रहे हैं वो हेडलाइट के जो DRLs हैं उसी के अंदर आ रहे हैं और जो इसकी ये हेडलैम्प्स हैं वो आपकी बम्पर में दी हुई है। ये प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं और जो ब्रेजा के अंदर आती है वो LED हेडलैम्प्स आती है। इसमें कॉर्निंग की लाइट मिलती है पर ब्रेजा में आपको कॉर्निंग लाइट नहीं मिलती है। जो इसके ये फॉग लैंप्स है ये प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स हैं पर जो ब्रेजा के अंदर आते हैं वो आपको हेलोजन फॉग लैंप्स मिलते हैं। इसके टायर की बात करें तो इसमें भी 16 इंचेस के आपको अलॉय व्हील्स मिलते हैं। इसके टॉप एंड वेरिएंट में जो SX और SX ऑप्शनल है उसमें भी आपको जो उसका टॉप एंड वेरिएंट आता है ZXi+ उसमें भी अलॉय व्हील मिलते हैं 16 इंचेस के पर उनका थोड़ा सा डिज़ाइन डिफरेंट है। देखने में हुंडई वेन्यू के जो अलॉय व्हील्स हैं वो देखने में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। दोनों में ही फ्रंट में डिस्क ब्रेक है, रियर में दोनों में ड्रम ब्रेक्स आते हैं। इसकी साइड प्रोफाइल की बात करें जो इन दोनों गाड़ियों की लेंथ है वो आपको एग्जैक्ट बिल्कुल सेम मिलेगी, 3995 mm की इन दोनों की लेंथ है पर विड्थ में और हाइट में ये वेन्यू थोड़ी सी छोटी है, इसमें ब्रेजा बाजी मार लेती है। जो इसके ये रूफ रेल्स हैं ये स्पोर्टी रूफ रेल्स मिलते हैं पर जो ब्रेजा के अंदर आते हैं वो आपको सिंपल रूफ रेल्स मिलेंगे। यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश का इस्तेमाल है, यहाँ पे थोड़ा सा रफ ब्लैक फिनिश का इस्तेमाल है। अब इसके डोर हैंडल्स की बात करें, जो इसका टॉप एंड वेरिएंट आता है SX ऑप्शनल उसमें आपको क्रोम फिनिश में डोर हैंडल्स मिल जाते हैं और जो ब्रेजा के अंदर आता है टॉप एंड वेरिएंट में भी बॉडी कलर्ड के ही डोर हैंडल्स आते हैं। और इसमें जो रिक्वेस्ट सेंसर है डोर को लॉक और अनलॉक करने के लिए वो पैसेंजर साइड, ड्राइवर साइड और डिग्गी में तीनों में मिलते हैं ब्रेजा में पर आपको हुंडई वेन्यू में आपको ड्राइवर साइड ही मिलेगा। साइड में ब्लैक क्लैडिंग दोनों गाड़ियों में मिलेगी और जो ये ORVMs हैं ये ऑटो फोल्डेबल ऑटो रिट्रैक्टेबल दोनों गाड़ियों में मिलेंगे। जब आप गाड़ी को लॉक और अनलॉक करेंगे तो ये फोल्ड और अनफोल्ड होते हैं। जो टर्न इंडिकेटर्स आते हैं उस ब्रेजा में वो यहाँ पे ऐसे बड़े से मिलेंगे यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स पर जो वेन्यू में आते हैं यहाँ पे साइड में छोटे दिए हुए हैं, देखने में ब्रेजा उसमें बाजी मार लेती है। साइड में जो ओवरऑल लुक की बात करें ब्रेजा दिखने में थोड़ी सी बड़ी लगती है पर वेन्यू दिखने में थोड़ी छोटी लगती है तो ब्रेजा उसमें बाजी मार लेती है। इसकी बैक प्रोफाइल की बात करें तो बैक प्रोफाइल में से ब्रेजा थोड़ी देखने में मस्कुलर फील होती है और ये वेन्यू देखने में थोड़ी सी हैचबैक टाइप की लगती है। दोनों में ही रियर में डिफॉगर मिलेंगे, दोनों ही टॉप एंड वेरिएंट में वाइपर मिलेंगे पर ये SX वेरिएंट है इसके अंदर आपको वाइपर नहीं मिलेगा। इसमें आपको शार्क फिन का एंटीना मिलेगा पर ब्रेजा के अंदर आपको सिंपल एंटीना मिलता है। यहाँ पे आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप मिलता है, वेन्यू की ब्रांडिंग यहाँ पे मिलती है और जो इसके रिवर्स कैमरे की प्लेसमेंट है वो यहाँ पे मिलती है पर जो ब्रेजा में आती है उसके कैमरे की प्लेसमेंट यहाँ पे आती है। पार्किंग सेंसर्स आपको दोनों गाड़ियों में मिलेंगे, रिवर्स की जो लाइट है वो यहाँ पे ग्लो करती है, रिफ्लेक्टर इसमें यहाँ पे दिए हुए हैं और जो इसकी टेल लाइट है उसमें इस तरह की LED जलती है और जो ब्रेजा में अब जो नई ब्रेजा आ रही है उसमें पूरी ओवल शेप में LED जलती है। दोनों में ही आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलेंगे टॉप एंड वेरिएंट में। इसकी बूट स्पेस की बात करें तो इसमें 350 लीटर का बूट स्पेस मिलता है और ब्रेजा में मिलता है 328 लीटर का बूट स्पेस मिलता है तो इसमें वेन्यू बाजी मार लेती है। और इसमें थोड़ा सा बैग निकालने में आपको थोड़ी तकलीफ होगी क्योंकि इसकी ये हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है। दोनों गाड़ियों में आपको जो फिफ्थ टायर मिलेगा वो स्टील रिम मिलेगा और दोनों का टायर साइज एक इंच छोटा मिलेगा। इसमें भी 15 इंचेस का मिलेगा और ब्रेजा के अंदर भी आपको 15 इंचेस का मिलेगा। यहाँ पे टूल किट और यहाँ पे बूट लैंप मिलेगा।
दोनों में ही पार्शियल ट्रे आपको दोनों मिलेगी, पर ब्रेजा के अंदर आपको 60-40 स्प्लिट सीटें मिलेंगी, इसके अंदर आपको 60-40 स्प्लिट सीटें नहीं मिलेंगी। इसमें दोनों में ही 45 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है, और जो हुंडई वेन्यू है आपको पेट्रोल और डीजल दोनों में मिलेगी, पर जो आप नई ब्रेजा आ रही है वो ओनली आपको पेट्रोल में ही मिलेगी 1.5 लीटर में। अब इसके बैक डोर की बात करें, बैक डोर आप देख रहे हैं ये बिल्कुल सिंपल सा बैक डोर मिलेगा। इसमें डोर हैंडल पकड़ने में कुछ इस टाइप का मिलेगा, और उसमें यहाँ पे ऐसे टाइप का डोर हैंडल आता है। यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिश में डोर हैंडल्स मिलेंगे लॉक और अनलॉक करने के लिए गाड़ी को, और पर उसमें मिलेगा क्रोम फिनिश में। स्पीकर की प्लेसमेंट आपको यहाँ पे मिलेगी। दोनों गाड़ियों में 6 स्पीकर आते हैं, 2 बैक डोर पर, 2 फ्रंट डोर पर और 2 ट्विटर्स आगे। 1 लीटर बोतल कैरी करने के लिए होल्डर मिलेगा। जो इसका ये डिज़ाइन देख रहे हो पावर विंडो के स्विच है, ये ऐसे लगते हैं जैसे आफ्टर मार्केट लगाया हुआ अलग सा लगता है, पर ब्रेजा के अंदर बिल्कुल एकदम गाड़ी में फिक्स दिया है, तो देखने में काफ़ी वो अच्छा लगता है। पर क्वालिटी के मामले में जो इसकी गेट की हैवीनेस है और जो इसकी प्लास्टिक क्वालिटी है, उसमें हुंडई वेन्यू बाजी मार लेती है। जो इसकी फ्रंट की सीट है मेरे हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट है, पर जो थोड़ा सा नी रूम आपको थोड़ा सा टाइट फील होगा, ब्रेजा में थोड़ा सा ज़्यादा नी रूम मिलता है, और हेड रूम भी आपको ब्रेजा में थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पे आपको साइड में दोनों गाड़ियों में ही ग्रैब हैंडल्स मिलेंगे, बीच में रीडिंग लैंप्स दोनों में मिलेगी, और जो ब्रेजा के अंदर आता है वो आपको आर्मरेस्टर में मिलेगा, पर इस गाड़ी के अंदर आपको आर्मरेस्टर नहीं मिलेगा। ब्रेजा के अंदर आपको यहाँ पे एसी के वेंट्स नहीं मिलेंगे, पर वेन्यू में आपको एसी के वेंट्स मिलेंगे। 12 वोल्ट का पावर शॉक किट भी मिलेगा यहाँ पे फ़ोन वगैरह चार्ज करने के लिए, पर ब्रेजा के अंदर क्या है डिग्गी में दिया है 12 वोल्ट का पावर शॉक किट, अगर किसी को फ़ोन चार्ज करना है गाड़ी चलते वक्त तो डिग्गी में बैठ जाओ और वहाँ जाके फ़ोन अपना चार्ज कर लो। 3 बंदे इसमें इजीली नहीं बैठ सकते, पर ब्रेजा के अंदर 3 बंदे आराम से लॉन्ग जर्नी पर बैठ के जा सकते हैं। इसका हम्प भी थोड़ा सा ज़्यादा उठा हुआ है ब्रेजा से, ब्रेजा का हम्प थोड़ा सा कम उठा हुआ है, तो ओवरऑल जो पीछे गाड़ी का बैठने का कंफर्ट है और जो एक्सपीरियंस है, मतलब दोनों बराबर से टक्कर है। कुछ चीज़ ब्रेजा में ज़्यादा है और कुछ चीज़ वेन्यू में ज़्यादा है, दोनों बिल्कुल मुकाबले में सेम ही है पीछे के कम्फर्ट के मामले में। इसकी फ्रंट डोर की बात करें तो फ्रंट डोर की जो हैवीनेस है वो इस हुंडई वेन्यू में ज़्यादा, और प्लास्टिक क्वालिटी भी हुंडई वेन्यू की ज़्यादा है। डोर हैंडल्स देखने में इसके थोड़े से ऐसे हैं, पर उसमें इस टाइप के आते हैं डोर हैंडल्स। 4 पावर विंडो के स्विच आपके यहाँ मिलेंगे। जो ड्राइवर साइड है वो टॉप और डाउन है। उसमें क्या है, जो ये मिरर के एडजस्टमेंट है, जो RVMs है उनके एडजस्टमेंट आपको यहाँ पे मिलते हैं ब्रेजा में, पर इसके एडजस्टमेंट आपको इसके डोर पर ही मिल जाते हैं एडजस्टमेंट भी, और ये RVMs फोल्ड और अनफोल्ड करने के लिए। यहाँ पे स्पीकर की प्लेसमेंट और यहाँ पे ट्विटर की प्लेसमेंट। 1 लीटर बोतल कैरी करने के लिए होल्डर मिल जाता है, और मैगजीन होल्डर इसका थोड़ा सा छोटा मिलता है। ब्रेजा में यहाँ पे पूरे में ही मैगजीन होल्डर मिल जाते हैं। और जो इसकी डोर की विड्थ है, जो ये विड्थ है, ये भी ब्रेजा में आपको थोड़ी सी ज़्यादा मिलती है, तो इससे क्या है गाड़ी में अंदर जाने में और बाहर आने में ईजिली आप गाड़ी के अंदर और बाहर जा सकते हैं। ब्रेजा और जो वेन्यू की जो ये फ्रंट सीट है ड्राइवर साइड, ये दोनों की ही मैनुअल ही आप हाइट एडजस्ट करते हैं, और रेकलाइन एंगल और आगे पीछे करने के लिए सब कुछ इसमें मैनुअल है। यहाँ पे जो ब्रेजा का टॉप एंड वेरिएंट आता है उसमें इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन आता है, ये SX वेरिएंट है इसलिए इसमें की है, पर जो इसका भी टॉप एंड वेरिएंट आता है उसमें भी इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन आता है। यहाँ पे आपको हाइट लेवलिंग के कंट्रोल दोनों में ही यहाँ पे इंजन खोलने के लिए, बोनट खोलने के लिए बटन मिलेगा, और यहाँ पे फ्यूल लाइट खोलने के लिए बटन मिलेगा। जो इसका स्टेयरिंग व्हील है, ये लेदर रैप में स्टेयरिंग व्हील आता है, जो कि देखने में ये काफ़ी अच्छा स्टेयरिंग व्हील है, क्योंकि उसमें यहाँ पे ग्रैब नहीं मिलती पकड़ने के लिए, इसमें यहाँ पे ग्रैब दी हुई है। लेफ्ट साइड में म्यूजिक से रिलेटेड कंट्रोल है, मोड, वॉल्यूम अप डाउन, और ये ट्रैक चेंज करने के लिए, फ़ोन कट करने के लिए, फ़ोन पिक करने के लिए। इधर आपको क्रूज कंट्रोल दोनों ही गाड़ियों में मिल जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा सिल्वर फिनिश का इस्तेमाल किया हुआ है। दोनों गाड़ियों में ही आपको ऑटो हेडलाइट्स मिल जाएंगे, पर जो हुंडई वेन्यू है इसके अंदर आपको ऑटो वाइपर नहीं मिलेंगे। हुंडई वेन्यू में जो ब्रेजा है उसके अंदर आपको ऑटो वाइपर्स मिलेंगे टॉप एंड वेरिएंट में। इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इसमें बीच में एक बड़ा सा देख के ये स्पीडोमीटर है, और इसके साइड में ये RPM मीटर है, और इस साइड में छोटा सा ये MID दी हुई, बिल्कुल छोटी सी, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें बताती है, ये एवरेज किलोमीटर, और ये फ्यूल, और ये इंजन का टेम्परेचर। इसके डैशबोर्ड की बात करें, जो इसके डैशबोर्ड की विड्थ है ये थोड़ी सी कम है, ब्रेजा में आपको डैशबोर्ड की विड्थ थोड़ी सी ज़्यादा मिलती है, पर जो क्वालिटी है इसके डैशबोर्ड की वो हुंडई वेन्यू की अच्छी है, ब्रेजा की थोड़ी कम है। इनफैक्ट जो मारुति की सारी गाड़ियाँ उनमें प्लास्टिक क्वालिटी हुंडई की गाड़ियों से कभी कम्पीट कर ही नहीं सकती है।
सेफ्टी के मामले में बात करें तो इस गाड़ी में आपको टोटल 6 एयरबैग मिलेंगे टॉप एंड वेरिएंट में। एसएक्स वेरिएंट में आपको 2 ही एयरबैग मिलेंगे, और जो टॉप एंड वेरिएंट आता है इसका एसएक्स ऑप्शनल, उसके अंदर आपको सेफ्टी के अंदर एबीएस, ईबीडी, ब्रेक असिस्ट, हिल कंट्रोल और इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी कंट्रोल मिलेगा, और व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट सिस्टम मिलेगा। पर ब्रेजा के अंदर आपको मिलेगा एबीएस, ईबीडी और ब्रेक असिस्ट ओनली। अब इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें, इंफोटेनमेंट सिस्टम वेन्यू का थोड़ा सा बड़ा है साइज़ में, ब्रेजा के अंदर थोड़ा सा साइज़ छोटा आता है इंफोटेनमेंट सिस्टम का। उसके अंदर आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले यही चीज़ें मिलेंगी, ब्लूटूथ, ऑक्स, यूएसबी। इसके अंदर एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ब्लूटूथ और यूएसबी, ऑक्स आपको इसमें नहीं मिलेगी। और इसमें एक आता है ब्लू लिंक, जो कि इसके टॉप एंड वेरिएंट में आता है, इसमें नहीं है। ब्लू लिंक से आप काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं, गाड़ी को स्टार्ट और स्टॉप भी कर सकते हैं, गाड़ी आपकी कहाँ जा रही है वो सब पता कर सकते हैं, और उसकी सनरूफ वगैरह, एसी वगैरह भी आप ब्लू लिंक की ऐप के द्वारा चला सकते हैं। इसके म्यूज़िक के मतलब वॉल्यूम के कंट्रोल के यहाँ पे फिजिकल नॉब दी गई है, जो कि बहुत ही अच्छी है। पर ब्रेजा के अंदर आपको यहाँ पे टच स्क्रीन में बटन दिया होता है, ट्रैक चेंज करने के लिए नॉब है, और इधर से भी ट्यूनिंग करने के लिए नॉब है। दोनों में ही ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आता है टॉप एंड वेरिएंट में। उसमें क्या है, ऊपर एक स्क्रीन दी है और नीचे बटन्स हैं, पर इसमें बीच में स्क्रीन और दोनों साइड में यहाँ से टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं, और इधर से एसी कंट्रोल कर सकते हैं। इस गाड़ी में आपको वायरलेस चार्जिंग के भी सुविधा मिलेगी टॉप एंड वेरिएंट में। यहाँ पे आपको यूएसबी के फास्ट चार्जिंग का, इधर यूएसबी ये इंफोटेनमेंट से कंट्रोल करने के लिए यहाँ से यूएसबी लगेगी, और 12 वोल्ट का पावर सॉकेट दोनों ही गाड़ियों में मिलेगा। इसका जो गियर, छोटा सा गियर डिज़ाइन मेरे को इस वेन्यू का ज़्यादा अच्छा लगा। इसमें 6 स्पीड गियर बॉक्स आता है, और जो ब्रेजा के अंदर आता है वो आता है 5 स्पीड गियर बॉक्स। दोनों ही गाड़ियाँ ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों में मिलती है, जिसके चारों तरफ आपको सिल्वर फिनिश का इस्तेमाल मिलेगा। जो इसका ये हैंड ब्रेक है, दोनों में ही मैनुअल हैंड ब्रेक मिलेगा, पर जो इसका कप होल्डर का साइज है वो ब्रेजा में थोड़ा सा बड़ा मिलेगा कप होल्डर का साइज, इसमें एक्स्ट्रा स्मॉल कोक के लिए और ये मीडियम कोक के लिए, और उसमें क्या है, दोनों ही मीडियम कोक के लिए जगह मिलेगी। आर्मरेस्टर इसका थोड़ा सा छोटा है, ब्रेजा में थोड़ा सा बड़ा आर्मरेस्टर मिलेगा, उसमें स्लाइडिंग आर्मरेस्टर है, पर इसमें फिक्स आर्मरेस्टर मिलेगा। आर्मरेस्टर का साइज मीडियम साइज का मिलेगा आपको दोनों में ही। अब बात करते हैं, इधर आपको फ़ोन या थोड़ा बहुत सामान रखने के लिए थोड़ी जगह मिल जाती है, और जो दोनों में ग्लो बॉक्स है, कूल्ड ग्लो बॉक्स आते हैं। ब्रेजा में क्या है, 2 ग्लो बॉक्स आते हैं, ऊपर कूल्ड ग्लो बॉक्स आता है और नीचे ऐसा सिंपल ग्लो बॉक्स आता है। इसके अंदर आपको एक ही ग्लो बॉक्स मिलेगा। जो इसके IRVMs है, ये SX वेरिएंट है, इसके अंदर आपको मैनुअल IRVMs है, पर जो टॉप एंड वेरिएंट आते हैं उसके अंदर ऑटो IRVMs मिलते। अब जो नई ब्रेजा आ रही है उसके अंदर ऑटो IRVMs, और इसकी जो सन शेड्स हैं ये, इसमें आपको टिकट होल्डर, ब्रेजा में भी टिकट होल्डर, मिरर आपको ड्राइवर साइड नहीं मिलेगा, पैसेंजर साइड में आपको मिरर मिलेगा पर लाइट नहीं मिलेगी। पर जो ब्रेजा के अंदर आती है उसमें मिरर और लाइट दोनों प्रोवाइड है। यहाँ पे आपको रीडिंग लैंप्स मिलेंगे, सनग्लास होल्डर आपको इसमें नहीं मिलेगा, पर ब्रेजा में आपको सनग्लास होल्डर मिलेगा। यहाँ पे माइक की प्लेसमेंट है। ब्रेजा के अंदर आपको एक जो चीज़ बिल्कुल कम लगेगी वो है इसकी सनरूफ। ये अभी खुल नहीं रही है, यहाँ से इग्निशन थोड़ा सा ऑन करना पड़ेगा, जब ये सनरूफ खुलेगी ये आपको मैन्युअली ही एडजस्ट करना पड़ेगा। बड़ी मुश्किल से जद्दोजहद के बाद ये सनरूफ आखिरकार खुली गई है, तो जाते जाते मैंने सोचा आपको सनरूफ भी खोल के दिखा दूँ। अब इसकी सीट कवर की बात करें, दोनों गाड़ियों में ही आपको सीट कवर नहीं मिलेंगे, पर जो इसका टॉप एंड वेरियंट आता है SX ऑप्शनल, उसमें आपको 3 सीट कवर के ऑप्शन मिल जाएंगे, एक ये और एक ये। और जो इसका सीट कवर है वो कुछ इस टाइप का मिलेगा, यहाँ पे आपको स्टिचिंग दी हुई है, और जो इसका गियर है उसमें भी आपको स्टिचिंग मिलेगी, पर ब्रेजा के अंदर आपको कोई स्टिचिंग नहीं मिलेगी। सिंपल सा ये प्लास्टिक भी बिल्कुल चीप सा मिलता है ब्रेजा में, इसमें थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी का मिलता है आपको। अब बात करें इसके इंजन ऑप्शन की, वेन्यू के अंदर आते हैं 3 इंजन ऑप्शन टोटल। एक तो 1.2 लीटर पेट्रोल जो कि प्रोड्यूस करता है 83 bhp डीजल इंजन ऑप्शन, एक आता है 1 लीटर टर्बो इंजन, और जो ब्रेजा के अंदर आता है वो एक ही इंजन ऑप्शन आता है 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन। ओवरऑल जो इसका मेरे को ये वेन्यू ज़्यादा अच्छी लगी है, मतलब इन टर्म ऑफ स्पेस देखना है तो आप जा सकते हैं ब्रेजा की तरफ, इन टर्म ऑफ क्वालिटी देखनी है तो आप आ सकते हैं हुंडई वेन्यू की तरफ।
दोनों ही ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों में आती है, पर इसके अंदर 6 स्पीड गेयरबॉक्स है, उसके अंदर 5 स्पीड गेयरबॉक्स है। जो इसका रिवर्स गियर लगता है वो ऐसे आगे करके लगता है, उसमें ऐसे सिंपल गियर लगता है। इस वेन्यू के अंदर आपको अडेप्टिव गाइडलाइंस मिलेंगी रिवर्स में, उसके अंदर ब्रेजा के अंदर आपको अडेप्टिव गाइडलाइंस नहीं मिलेंगी। तो ओवरऑल मैं बताता हूँ, इस मैं प्रेफर करूँगा अगर किसी के पास 12 लाख रुपीज़ हैं तो उसको सोच समझ के इन्वेस्ट करें, बाकी आपकी चॉइस के ऊपर है। मेरे को हुंडई वेन्यू ज़्यादा अच्छी लगी है इन टर्म ऑफ क्वालिटी। तो वीडियो को एंड करते हैं, अगर आपको पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद।